स्टूडेंट्स, देव आर डब्ल्यू ई टी सी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुशिंदर, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ बीटेक, ठीक है, M1, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमें निकालना है ए इनवर्स। कैसे हम ए इनवर्स को निकाल सकते हैं अगर कोई गिवन मैट्रिक्स हो हमारे पास, ठीक है, तो हम इसे तीन तरीके से निकाल सकते हैं या एग्जामिनर तीन तरीके से पूछ सकता है हमें, और वो तरीका क्या होगा, एक ही होगा लेकिन नेम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या क्या नेम है। कैलकुलेट ए इनवर्स, फर्स्ट क्या है, एलिमेंट्री ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इस नेम से दे सकता है एग्जामिनर हमें, ठीक है, एंड सेकंड गॉल जॉर्डन मेथड एंड थर्ड रेड्यूस टू ट्रायंगुलर फॉर्म। एग्जामिनर हमें इन तीन अलग अलग नेमों से क्वेश्चन दे सकता है और हमें कंफ्यूज करना है, लेकिन इन तीनों तरीकों से हम ए इनवर्स फाइंड करने का एक ही तरीका है, ठीक है, लेकिन नेम ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं जिनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं और उससे ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों नेमों का जो तरीका है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स लेते हैं ए इज इक्वल टू 8 4 3 2 1 1 1 2 1, ये मैट्रिक्स है ए हमारे पास, इसके हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो गिवन मैट्रिक्स है वो साइड बाय साइड लिखनी पड़ेगी एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। राइटिंग गिवन मैट्रिक्स साइड बाय साइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या लिया है, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने के लिए है, 3x3 की। क्यों ली है, क्योंकि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, ठीक है। अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर की है, मतलब रो इक्वल टू कॉलम, M इक्वल टू N, ठीक है। अगर हमारे पास रो इक्वल टू कॉलम है तभी हम इस मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर रो इक्वल टू कॉलम न हो तो हम इसकी ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, आइडेंटिटी 3x3 की ली है। जितने की हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगी उतने की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स ए अयुग्मेंटेड I3। अब हम इसको ए अयुग्मेंटेड I3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ए अयुग्मेंटेड I3
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके को अपनाएंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, ए है, ए क्या है हमारे पास, ये गिवन मैट्रिक्स है, तो पहले हम इसको लिखेंगे 8 4 3 2 1 1 1 2 1 ऑगमेंटेड। अब क्या लिखना है, आइडेंटिटी 3x3 का। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अब हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और किसके द्वारा, रो ऑपरेशन के द्वारा, हम इस पर ओनली रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, ये नाम में भी दिया गया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन ओनली इसके ऊपर लागू होगा, इस पर तो लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर रो ऑपरेशन लेते हैं तो वो यहाँ तक लागू होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाएंगे और क्या करेंगे, ट्रेंगुलर फॉर्म भी यहाँ पर आती है, क्योंकि हम इन एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए। पहले फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाएंगे, वन बनाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को वन कैसे बनाएंगे, देखिए, तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहले एलिमेंट को क्या करेंगे, वन बनाएंगे, तो यहां पर क्या ऑपरेशन लागू होगा, ऑपरेटिंग, अगर हम R3 को R1 में इंटरचेंज कर दें तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 1, मतलब R3 वन की जगह और R3 की जगह, 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 1 1 8 4 3, यही ऑपरेशन दूसरी साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी लागू होगा, तभी हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इस पे। 1 मतलब R3 R1 में हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब पहला एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, वन हो गया। अब क्या है, हम ट्रेंगुलर फॉर्म के द्वारा इन तीनों एलिमेंट्स को पहले क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगेगा यहां पर, देखिए, अगर हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर R2 में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और R1 को 8 से मल्टीप्लाई कर R3 में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, जीरो। तो ऑपरेटिंग R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 8R1। तो R1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसके अंदर लगाते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसको 2 से सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। नो सॉरी स्टूडेंट्स, इसको हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अगर इसको 8 से करेंगे तो 16 आएगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस 12, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 5। इसी प्रकार से यहाँ पर R1 एज इट इज एंड इसको R2
टू से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, जीरो का जीरो रहेगा, यहाँ पर भी वन रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस टू। यहाँ पर क्या करना है हमें, एट से मल्टीप्लाई कर माइनस करना है तो यहाँ पर वन हो जाएगा क्योंकि जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वन ही रहेगा और यहाँ पर जीरो रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस एट। अब हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, लेकिन हमें अभी क्या करना है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये जीरो हो जाए। देखिए आर टू है, इसको फोर से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हम कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं हम। ऑपरेटिंग R3 माइनस फोर आर टू। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। वन टू वन, R1 एज इट इज रहेगा और R2 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब R3 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 4R2, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अरे इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, अगर 3 को 4 से सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा और इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको 4 से करेंगे और इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1। यही ऑपरेशन दूसरी साइड भी हमें लगाना है। तो R1 और R2 एज इट इज और R3 में से क्या करना है, इसको R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है तो एक में कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसको 4 से करेंगे तो माइनस 8 होगा और इससे इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, ट्रायंगुलर फॉर्म थी। तो अब हम ये तीनों एलिमेंट्स जीरो करने के बाद इन तीनों एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, R3 को यहाँ पर 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनाएंगे, अगर R3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग R3 माइनस 1 मल्टीप्लाई R3, तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 2 1, 0 माइनस 3 माइनस 1, 0 0, और यहाँ पर माइनस 1 है तो इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन दूसरी साइड, तो 0 0 1 0 1, माइनस 2 ये एज इट इज रहेंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन में अब हमें क्या करना है, ये तीनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, पहले ये दोनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो ऑपरेटिंग R2, अगर R2 में से हम R3 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, और R1 में से R3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो R2 प्लस R3 एंड R1 माइनस R3। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होगी, तो R3 इसमें सब्सट्रैक्ट करना है तो जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 रहेगा और ये 2 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 रहेगा और ये इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा, 0।
जीरो जीरो वन, यही ऑपरेशन हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो फर्स्ट में से क्या करना है, आर थ्री को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस फोर और यहाँ पर वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करना है हमें, तो माइनस वन और यहाँ पर फाइव हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टू, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या हो गए, जीरो हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी वन लाना है, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वन वन होने चाहिए, और इसको इस एलिमेंट को भी क्या करना है, जीरो बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे हम आर टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन बाई थ्री, ऑपरेटिंग आर टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई थ्री आर टू, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। रो वन और टू थर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो जीरो वन, सेम ऑपरेशन दूसरी साइड, तो आर वन सेम, और इसको माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वन बाई थ्री, यहाँ पर माइनस फाइव बाई थ्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू बाई थ्री, और ये एज इट इज रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एलिमेंट्स क्या हो गया, वन हो गया। तो अब हमें इस एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो अगर हम आर टू को टू से मल्टीप्लाई कर आर वन में से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ऑपरेटिंग क्या करना है, आर वन, आर वन माइनस टू आर टू, तो देखिए मैट्रिक्स क्या आएगी, तो जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और वन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वन, और यहाँ पर इसको वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, और टू में से टू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, और यहाँ पर जीरो, टू एज इट इज लिखी जाएगी, जीरो जीरो वन, यही ऑपरेशन हम दूसरी साइड भी लागू करेंगे। तो वन माइनस इसको टू से मल्टीप्लाई कर वन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा, और वन में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री, और इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टेन बाई थ्री, और माइनस फोर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ पर इस वन में से इसको टू से सब्सट्रैक्ट करके करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन बाई थ्री, यहाँ पर बाकी एज इट इज रहेगा, वन बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, टू बाई थ्री माइनस वन फोर जीरो। अब ये मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, जो गिवन मैट्रिक्स थी वो हमने क्या बना ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली, और दूसरी साइड कुछ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद यहाँ पर कुछ चेंज आया है, वो क्या है, हमारी ए इनवर्स है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी थ्री बाई थ्री की ऑगमेंटेड ए इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ए इनवर्स क्या होगी भाई, ए इनवर्स वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री
वन बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, टू बाई थ्री माइनस वन फोर ज़ीरो, ये क्या आ गई हमारी ए इनवर्स आ गई। अगर अब हमें अपना आंसर को जांच करना है तो क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और कितने का, थ्री बाई थ्री का, क्योंकि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो कितने की है, थ्री बाई थ्री की है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी क्या है, थ्री बाई थ्री की है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हमारा क्या है, आंसर एकदम सही।